नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के एक ऐसे स्कूल में जो धर्म को लेकर काफी समाज के बीच में एक बड़ा मैसेज देने का काम होता है। और हमारे साथ इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी हैं यानी प्रिंसिपल सर हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं, आज भगवान हनुमान जी का दिन है यानी शनिवार है, और शनिवार के दिन शनि भगवान का भी दिन होता है और साथ ही साथ हनुमान जी का यानी बजरंग बली का दिन भी होता है। और हर शनिवार को इस स्कूल में हनुमान जी का एक मंत्र उच्चारण किया जाता है, हनुमान चालीसा होता है। और हम जानेंगे कि स्कूल का जो नाम है आर्यवर्त पब्लिक स्कूल। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं आंदर ढाला रामनगर सिवान बिहार में। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर कि आप अपने समाज में एक अलग ही कुछ काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज समय देकर के यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक विद्यालय की बात है तो विद्यालय में तो प्रत्येक शनिवार को, कुछ दिनों से प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है एक अभिभावक में एक जागृति पैदा करना समाज में कि बिना संस्कार के धर्म के प्रति अगर हम आस्था नहीं रखते हैं तो हमारी पढ़ाई जो है कोई कामयाब, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा हमें लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो एक आशीर्वाद या एक शक्ति की जरूरत होती है, एक ऊर्जा की, वो ऊर्जा इसी से मिलती है। यानी सर, आज जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है, साथ ही साथ जो हमारे नैतिकता शिक्षा है, शैक्षिक शिक्षा है और समाज के लिए जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपका स्कूल जो है समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है सर। हाँ, हमारा प्रयास रहता है कि जो है बच्चे, जो भी यहाँ बच्चे हैं, जो गार्जियन ज़्यादा इच्छुक रहते हैं उन्हें हम ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि बच्चे जो है जो संस्कार के प्रति ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार जब है तभी जो है उसमें कोई भी आगे बढ़ेगा। और विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ जो भी आए संस्कार सहित जो है शिक्षा ग्रहण करे। आपका स्कूल जो क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि देने का काम कर रहा है सर? ये तो उपलब्धि जो गार्जियन हमारे पुराने बच्चे जो हैं यहाँ से जो पढ़ के जो निकले हैं उनको देखकर मालूम होगा, या फिर आप जब सुबह विद्यालय के प्रांगण में आइएगा तो बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले मंदिर की तरफ स्कूल को छू करके आते हैं, यानी मंदिर की तरफ प्रणाम करते हैं तब विद्यालय में प्रवेश करते हैं जी। तो और यहाँ जो है पैर छूने की परंपरा है जी। यहाँ गुड बाय गुड नाइट ये सब हम नहीं कराते हैं, एक ये परंपरा है जी। तो समाज को ये देना चाहते हैं कि आशीर्वाद जो है बड़ों का आशीर्वाद, पैर छूने से जो ताकत मिलती है वो गुड नाइट गुड बाय या गुड मॉर्निंग करने से नहीं मिलती है जी। इस बात को हमारा जो एक पूर्वज हमारे यानी सर भारत की संस्कृति को बना के रखे हुए हैं, हमारे जो पूर्वज संस्कृति के तौर पे आज हिंदुस्तान का नाम पूरे देश में पूरे विश्व में है, उसी को आपने ध्यान में रखते हुए ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं सर। हाँ, वही मैसेज है कि हमारा जो है भारत देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु है भी, तो उसको हमें, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं तो अगर हम लोग नहीं करेंगे दूसरा कौन करेगा समाज के लिए जी। तो हमारा दायित्व तो बनता है, बिजनेस अलग चीज़ है, बिजनेस हमारा अलग है, सबसे पहला काम है शिक्षक का कर्तव्य होता है कि एक बच्चे को संस्कारी बनाना, ताकि वही बच्चा बड़ा होकर के एक अभिभावक को संस्कारी जब रहेगा तो सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा, उसका जो है आदर करेगा, कभी अवहेलना नहीं करेगा, पूरे परिवार को मिलाकर चलेगा और कभी संकट कितना हो कठिनाई आए संकट आए हारेगा नहीं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा, ये हमारा उद्देश्य होता है इस तरह से बच्चे को तैयार। आर्यवर्त पब्लिक स्कूल आंदर ढाला सिवान बिहार यानी रामनगर में ये है सर। तो यहाँ पे किस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मॉडर्न युग या संस्कृति युग? नहीं, मुख्य होता है संस्कृति। हाँ, हमारा संस्कार। हाँ, और जो आधुनिकता अंग्रेजी है उसे ठीक बताई जाती है लेकिन संस्कृत हिंदी के साथ। हाँ, यानी अगर हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ठीक है, आज के माहौल जो आधुनिकता है, लेकिन हिंदी सबसे जरूरी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उससे हमारा एकमात्र जुड़ाव है, उसको हम जड़ बनाकर चलते हैं। चलिए, तो सर यहाँ व्यवस्था की बात करें, क्या क्या व्यवस्था है, फैसिलिटी मतलब क्या क्या है सर? टोटल है यहाँ जो बड़े स्कूलों में है, यहाँ स्मार्ट क्लास भी चलता है, कंप्यूटर लैब भी है, जनरेटर भी है, टोटल सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। चलिए, तो हम बात करेंगे, हमारी टीम पहुंची है आर्यवर्त पब्लिक स्कूल में जहाँ पे फीचर की बात करेंगे। आप देख सकते हैं क्लास जो है क्लासेज नर्सरी टू 8 क्लास तक है, सिलेबस सीबीएसई पैटर्न पे आधारित है। और हम बात करें फीचर, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, सीसीटीवी कैमरा है, सोशल इम्प्रूवमेंट है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, म्यूजिक और उर्दू क्लासेज भी है, और फिजिक्स
बेस लर्निंग भी है, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी सर है। हाँ, रखते हैं जो आधुनिकता है उसको अपना, क्योंकि बच्चे को ये ना लगे कि हम जो है एक अगर छोटे विद्यालय में है तो हमें आधुनिकता से जुड़ाव नहीं है। चलिए सर, नए वर्ष आ रहा है, मतलब ऐसे तो संस्कृति का नया वर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी ये भारत में एक प्रचलन बन चुका है कि नया साल है तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल है, तब फिर भी इस पर क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं, जो भी जो जिसको मानता है उसके लिए अच्छा है जी। तो जिनके लिए भी ये नौ वर्ष है, और बहुत लोग हम लोग भी एक हर्षोल्लास मनाते हैं, तो सबके चूँकि सबका सम्मान करना चाहिए, कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं होता है, तो वो उसके लिए भी सबको जो है हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। जो भी है इस वर्ष को मनाते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, तो सबके नौ वर्ष की शुभकामना रहेगी। और ऐसे हम लोग जो अपना चैत मास मनाते ही हम लोग उसको मनाते हैं। हमारा भारतवर्ष आज विश्व में महान गुरु के दर्जा ले चुका है, और भारत की संस्कृति है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी हमारे जीवन में ऊर्जा लाने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। तो हम चाहेंगे कि सर जो पूजा पाठ के माध्यम से हर शनिवार को यहाँ पे भगवान हनुमान जी का पूजा अर्चना करते हैं, लोग आरती करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों को, यहाँ पे विधि विधान से उनको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिस जुड़ चुकी हैं इस स्कूल में, मिस क्या कुछ कहिएगा, ये स्कूल जो है कितनी बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए, और आप लोग जो यहाँ पे स्टडी करा रही हैं साथ ही साथ बच्चों को धर्म से जोड़ा भी जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा हो, इससे बच्चों के जो मन होती है वो शांति रहती है एंड पढ़ाई में भी लगन जुड़ेगा, और हम चाहते हैं हमारे धर्म में जो भी है महाभारत है रामायण है ये सब बच्चे पढ़ें ताकि उनका माइंड फ्रेश रहे, ठीक है। और हमारे विद्यालय में हर शनिवार के दिन होता है हनुमान चालीसा। जी, आप जो यहाँ पे स्टडी कराते हैं आमतौर पे बच्चे के मन में जो ऊर्जा होता है कैसा होता है? वो हमेशा एक्टिव रहता है, बिना एजुकेशन के वो हर कुछ पूछ सकते हैं जी। हाँ, तो आप क्या पढ़ाती हैं? मैं मैथ पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ। और ये स्कूल कितने सालों से रन कर रहा है, और मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए? उपलब्धि बहुत बड़ी है, ये स्कूल आई थिंक 1995 से ये स्कूल है जी। अभी नया नया रिपेयरिंग हुआ है, पहले मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा, देखिए कड़ी बहुत बड़ी बात है कि आप इस स्कूल में पढ़ाई करके और फिर से इसी स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, तो ये भी एक बड़ा मोमेंट है। आइए जो यहाँ पे बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। अभी ये लोग मिठाई खा रहे थे, लोग प्रसाद मतलब खा रहे थे। आपका नाम क्या है? आयुषी कुमार। अच्छा, किस तरह पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास है आपका? मेरा टू है। टू है, चलिए। आपका नाम क्या हुआ? नीतू। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पुलिस, नेवी, क्या? डॉक्टर। चलिए, आपका नाम? नवनीत कुमार है। क्या बनना है आपको? आईपीएस। आईपीएस, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? आयुष कुमार। क्या बनना है आपको? क्रिकेटर। क्रिकेटर, चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? आयुष कुमार। चलिए, तो बैठिए, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? पंकज सुधांश। आप क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? शिवानी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? यूकेजी। यूकेजी, क्या बनना चाहती हैं? फौजी। फौजी, वाह, चलिए। आपका नाम क्या हुआ? रोशनी। रोशनी जी, क्या बनना है आपको? पुलिस। पुलिस, चलिए। आपका नाम क्या हुआ? मेहर। क्या बनना है आपको? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, अच्छा अच्छा। स्कूल का नाम क्या है? आर्यावर्त पब्लिक स्कूल। कब से आप पढ़ाई कर रही हैं? कितने साल हो गया आपको? दो साल, तीन साल, चार साल, या बचपन से? बचपन से। बचपन से पढ़ी है, चलिए। आपका नाम क्या हुआ? चंचल कुमारी। चलिए, आप क्या बनना चाहती हैं? आर्मी। आर्मी, आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, अच्छा, ऐसा क्यों आपने सोचा कि आर्मी ऑफिसर बनना है? देश की सेवा। देश की सेवा करना है।
सर स्कूल में पढ़ाते हैं, इस स्कूल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस स्कूल में हम लगभग 5 साल से आज से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं इसमें के, ठीक है, और हनुमान चालीसा हर शनिवार को होता है। पब्लिक स्कूल के बारे में आप? ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये 1998 से है जी। मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ नर्सरी से लेकर 8 तक, और मैं इसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो इसी स्कूल में पढ़ाई करके फिर आपने यहीं पे स्टडी करा ली है, तो ये बहुत हर्ष की बात है। कितनी बहुत अच्छी लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम इस विद्यालय में पढ़े, आज इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो हमारे समाज में जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा, क्योंकि आपका स्कूल काफ़ी सांस्कृतिक माहौल बनाकर शिक्षा का काम करता है जी, तो क्या मैसेज रहेगा समाज को, अभिभावक को क्या मैसेज देना चाहिए? सबको यही कहना चाहिए कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, अच्छे से शिक्षा दें। आपका नाम? लक्ष्मी कुमारी। तो आज हमारी टीम पहुँची थी आज रामनगर आंदर ढला सिवान बिहार में, जो स्कूल चल रहा है जिसका नाम है आर्यवर्त पब्लिक स्कूल। वैसे तो आमतौर पे ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम हो रहा है, और हम जानेंगे सर से दोबारा से कि सर जो आपका स्कूल है संस्कृति के माध्यम से बहुत बड़ा एक मैसेज भी देने का काम कर रहा है। आपके स्कूल में धर्म को लेकर और भारत की संस्कृति को लेकर हमेशा से अग्रसर रहते हैं आप लोग, और समाज को उन्नति का रास्ता दिखाते हैं। क्या कुछ कहेंगे नए एडमिशन बच्चा लेना चाहते हैं, उनके परिवार करवाना चाहते हैं? जो भी हमारे यहाँ जो इच्छुक अभिभावक हैं, जो हमारी जो व्यवस्था में से पसंद है उन्हें जी, इसके लिए हम वेलकम स्वागत रहता है जी, और जो भी आएंगे उनके लिए स्वागत, और विशेष ऑफर जो होता है तो ऐसा कोई ऑफर हम हमेशा ऐसा शुल्क लगते हैं कि सबके लिए सामान्य हो। हाँ, क्योंकि वो झूठ मूठ का ऑफर निकाल कर हम उसे गार्जियन को पढ़ाया नहीं चाहते, सामान्य एक जो भी फीस है वो रहता है नाम लिखाई के लिए, और फीस भी वैसे ही हम सामान्य रखते हैं, यानी जिसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ ले, और सभी बच्चे पढ़ें इसमें। विशेषकर लड़कियों के लिए होता है कि अगर लड़की ज़्यादा है और कोई पढ़ाना चाहता है, अगर लड़का पढ़ रहा है लड़की को भी पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए हम फीस कम कर रहे थे, भाई ये कम की फीस मत दीजिए लेकिन लड़की को भी पढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। अपना नाम बता दीजिए। कृष्णा जी भक्त।